आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। एंड फाइनली आई एम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई एम हेल्दी एंड फिट नाउ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड इतने सारे विशेज एंड मैसेजेस के लिए। ओके, सो ये जो रीडिंग है इट्स अबाउट योर करियर, कि अब से आने वाले 3 महीने में आपके करियर में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, जो भी ब्लेसिंग्स या जो भी गाइडेंस आज हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो आई एम श्योर आपको अपनी स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। आप इन तीनों में से कोई भी पिक्चर जो है वो चूज कर सकते हैं और उनका जो टाइम है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप आराम से इसको पॉज कर सकते हैं या मेडिटेट कर सकते हैं और पिक्चर्स को चूज कर सकते हैं। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पिक्चर 1 चूज करी है या फर्स्ट पिक्चर चूज करी है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए या क्या एनर्जीज हैं आपकी आने वाले 3 महीने में, क्या रहेगा, कैसा रहेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। जेमिनाई बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे। पाइसेस कुछ लोग हो सकते हैं या आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं एंड शायद कहीं कई चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही फेरी टेल ड्रीम है, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, या हो सकता है आपको बहुत लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। दिस मैसेज इज फॉर फ्यू ऑफ यू गाइज, ये सबके लिए मैसेज नहीं है। लेट मी सी मोर, क्योंकि यहाँ पे एरीज की भी स्ट्रांग एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, इनकी करेंट एनर्जी क्या है स्पिरिट गाइड करियर में। थैंक यू स्पिरिट गाइड पाइल नंबर 1 की। We have the card of Jupiter. Wow, you guys are really lucky. Change, that's nice. Major shift आपकी life में आने वाला है fire element. तो again Aries, Leo, Sagittarius आप लोग यहाँ पर हो सकते हैं, या आप लोगों का Mars जो है वो काफी strong है. Okay? मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ so that यहाँ पे मैं easily आप लोगों के लिए cards निकाल पाऊँ. Yeah. सो विद दीज कार्ड्स आई एम सीइंग कि जुपिटर जो है वो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड बहुत सारे चेंजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लक आपके साथ है। बेशक आपको ये चीज़ फील नहीं हो रही, बट समवेयर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है और एक चेंज आपके जीवन में यहाँ पर आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स, इनकी करेंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 1 की, करियर में करेंट एनर्जी क्या है। आप में से कुछ लोग जो हैं वो अभी अपनी लव लाइफ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पर कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग अपने करियर में किसी चीज़ में डिले फेस कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। अब ये रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, कि कोई साइकिल है आपकी लाइफ में जो चल रही है, जो अभी ख़त्म नहीं हुई है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी हद तक आपने साइकिल में ग्रो कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। समवन हु इज़ फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। किंग ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि इमोशनली भी आपकी बहुत एक मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। टू ऑफ कप्स अगेन, कुछ लोगों का कुछ सपना है, कुछ लोग हो सकता है किसी और सिटी में या कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, या स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी में या कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपका यहाँ पर ऐसा ड्रीम है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ हो सकता है आपके करियर को काफ़ी अफेक्ट कर रही है, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाती है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी चाह रहे हैं अपने करियर में ना, कि जल्दी से आपको रिजल्ट मिल जाए या जल्दी से आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लें, और थोड़ी सी एक फ्रस्ट्रेशन है कि ये क्यों नहीं हो रही या ये कब होगी, इस तरीके की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स से फील हो रही है। कि ऑल दो यू हैव एवरीथिंग, सब कुछ है यहाँ पर, बट अभी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको लर्न करना है, बट आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि कब आपकी विशेस पूरी होंगी या काम आपका ये कब बनेगा, कब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, राइट? तो ये जो है मुझे एक ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है इट व्हेन इट कम्स टू योर करियर। अगर ये करंट एनर्जी आपसे मैच होती है तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस रीडिंग, अदरवाइज यू कैन चूज अनदर पाइल और यू कैन जस्ट गेट अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। और सारी डिटेल्स जो है वो ऊपर आप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके देख सकते हैं, या मेरी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ओके, सो हियर वी गो।
ये कार्ड्स मैं हटाऊंगी नहीं, बिकॉज आई एम स्टिल फीलिंग अ वेरी इंटेंस मैसेज फ्रॉम दीज कार्ड्स. आई एम सीइंग दैट सम काइंड ऑफ चेंज इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. किसी ना किसी तरीके का चेंज यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 4+3 7 मुझे दिख रहा है, अगेन मुझे 7 दिख रहा है यहाँ पे, 37 है ऑलदो इट्स 10 एंड इट विल 1. तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ एक चेंज ऐसा आ रहा है जो आपको नहीं दिख रहा, बिकॉज लूनर एक्लिप्स इज शोइंग मी कि कुछ डार्कनेस है. डार्कनेस इन द सेंस कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप डार्कनेस में हैं, लाइट नहीं है, जैसे कि क्लियर एक विजन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना. बट एट द सेम टाइम ये चेंज आ रहा है, आप चाहो या ना चाहो, डिवाइन आपकी लाइफ में करियर में एक मेजर शिफ्ट और मेजर चेंज लेके आ रहा है, जहाँ से आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड अपने डिजायर एंड पैशन को आप फॉलो कर पाएंगे. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1. आने वाले 3 महीने में क्या आने वाला है इनकी करियर के अंदर? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. करियर में क्या आने वाला है? अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. लवर्स, अगेन इट्स शोइंग मी यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो सम काइंड ऑफ अ पैशन. 5 ऑफ पेंटिकल. ओके, जजमेंट. वाओ, दिस इज ग्रेट. एक और कार्ड निकालेंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ. इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, पाइल नंबर 1. एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस पूरी रीडिंग को और इस मैसेज को अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पे काफी डीप मीनिंग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है. आई एम सीइंग कि इन नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिलीज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर करियर. करियर में अगर आपको किसी चीज में लैक है, मीन्स क्योंकि मुझे यहाँ पे ये 4 ऑफ पेंटिकल से दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज को होल्ड करके बैठे हो यहाँ पे. ये कोई आपकी सोच हो सकती है, किसी तरीके की जॉब है जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, या कोई ऐसा करियर है जहाँ पर आपकी कुछ ऐसी सोच है. सपोज कि कुछ लोग किसी स्पेसिफिक तरीके की ही जॉब करना चाहते हैं, या किसी एक ही कंपनी में करना चाहते हैं, एक ही फील्ड में करना चाहते हैं, जिस वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है. एक फियर है, एक डाउट है, एक डर है, एक तरीके से लैक मेंटालिटी है, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में चीजों को चाह कर भी बेनिफिस्ट नहीं कर पा रहे हैं. इन फ्यूचर ये चीजें आपके सामने आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है, आप चाहो या ना चाहो, और आपको उस टाइम ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, अपने फियर और डाउट्स को फेस करना पड़ेगा, जो मुझे ये कार्ड दिखा रहा है. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कि आप आगे मूव कर रहे हैं, बट एक स्लोअर पेस पे. पेस जो है, स्पीड जो है, यहाँ पे स्लो है. मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट बहुत स्टेबल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बट हाँ, पेस थोड़ी कम है. आप कोशिश करोगे, पाइल नंबर 1, आप कोशिश करोगे कि आप जल्दी जल्दी आगे जंप कर पाओ, जल्दी से जो आप चाहते हैं वो हो जाए. एंड अगेन हो सकता है अगेन उस वजह से आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी फील करो, बट दिस इज द मैसेज फॉर यू. अब इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये सब आपकी लाइफ में क्यों चल रहा है. बेसिकली यहाँ पे जो कार्ड है 9 of Swords एंड 5 of Pentacles जो मुझे दिखाता है कि कुछ लोगों को हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी बहुत इन फ्यूचर आप फेस कर सकते हैं स्टार्टिंग में. 9 of Swords स्लीपलेस नाइट, नींद नहीं आना, परेशान रहना करियर की वजह से पॉसिबल है. हो सकता है किसी कलीग से या ऑफिस में किसी पर्सन से आपकी बन नहीं रही है, जिस वजह से आप परेशान हैं. हो सकता है कोई पर्सन आपको बुली कर रहा है, या आपको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक करियर को चूज करने के लिए जो आप नहीं चाहते हो. बट आई एम सीइंग कि अगर ऐसा कुछ चीज है कि आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, तो आई एम सीइंग कि आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स. लवर्स का कार्ड आया है जजमेंट के साथ. दोनों मेजर अकाना है, दोनों मुझे दिखा रहे हैं कि एक यहाँ पे एनलाइटमेंट इन फ्यूचर आपकी होने वाली है, जहां पर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे एक और मुझे चीज दिखाई दे रही है कि अभी भी आप लोगों को अपनी ट्रू पोटेंशियल नहीं पता है कि आप में क्या पोटेंशियल है, क्या क्या चीजें आप में अच्छी हैं. ये कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारी चीजें जो है वो आपको अंदर से रियलाइज कराएंगे कि आप कहाँ स्ट्रांग हो, या आप कहाँ अच्छे हो, या आप कहाँ पर इम्प्रूव हो सकते हो. वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. एक स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रही है. सोलर चक्रा जो है वो हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है. सेल्फ एस्टीम इशू है, उस पर वर्क कराया जा रहा है, उस चीज को बैलेंस कराया जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकें. बिकॉज बहुत लोगों का यहाँ पे कुछ मनी का भी या फिनेंशियल इशू भी हो सकता है. कुछ लोग घर लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ उसमें अड़चनें आ रही हैं, घर बनवा रहे हैं उसमें कुछ अड़चन आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है.
आई एम सीइंग दैट यू विल कम आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. नेक्स्ट 3 मंथ में आप इस मेजर, ये जो हैवी साइकिल है, इससे बाहर आने वाले हो. बट लेट मी बी ऑनेस्ट, बहुत कंफर्टेबल नहीं होने वाला, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता. तो जब हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर धक्का दिया जाता है तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता. एंड पायल नंबर 1 मुझे आपके लिए यही दिखाई दे रहा है कि आपके लिए वो चीज़ हो सकता है स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं. लेट मी पुल फ्यू वो कार्ड्स फॉर यू. प्लीज पेरेंट गाइड्स, पायल नंबर 1 के लिए बताइए हमें आने वाले 3 महीने में इनर पीस. वाओ, ये जो आप परेशान हैं, रात को नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस आ रहा है, स्टक फील कर रहे हैं, उस चीज में यहाँ पर आपको पीस मिलने वाली है, एक इनर पीस यहाँ पर आने वाली है. बिकॉज हो सकता है कि आप लोग जो चीज चाह रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, वो आपकी ईगो की एनर्जी से यहाँ पर आ रही है, जिस वजह से आप रियालिटी नहीं देख पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है. यस, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको फ्लो के साथ जाना पड़ेगा. आप बहुत जल्दी जल्दी आगे भागना चाहते हैं, पर यूनिवर्स चाहती है कि आप पेशेंटली आगे जाएं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे मुझे मून दिख रहा है, तो शायद आपको ऐसा लगे कि आगे का पाथ जो है या रास्ता जो है वो क्लियर नहीं है. बट यूनिवर्स आपको यहाँ मैसेज दे रही है कि आंखें बंद करके यूनिवर्स में एंड अपनी इंट्यूशन पर फेथ करके आपको आगे बढ़ना है. आप किसी गलत रास्ते पर नहीं हो, यू आर ऑन द राइट पाथ. पायल नंबर 1, आप अगर इधर भी जा रहे होंगे ना, तो यूनिवर्स, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी आई थी, जुपिटर इज अ नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट, वो अपने आप यहाँ से आपको इधर ले जाएगा. तो आपको उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है. मेजर सिर्फ इसी चीज पे ध्यान देना है कि बेसिकली आपको बहुत रुकावट नहीं बनना है यहाँ पे. बिकॉज सम ऑफ यू गाइज आर क्वाइट स्टबन, आप ऐसे कुछ लोग कुछ स्टबन है कि आपको इतनी जल्दी लाइफ में चेंज पसंद नहीं है. बट आई एम सीइंग कि ये जो चेंज है ये आपकी लाइफ में इन फ्यूचर काफी सक्सेस लाने वाला है. चलिए एक दो कार्ड और निकालते हैं. प्लीज पेरेंट गाइड्स, पायल 1 के लिए हमें बताइए. यस, मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर. आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो समवेयर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा पायल नंबर 1, यहाँ पे आपकी ईगो बेस्ड एनर्जी है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप जो रियलिटी है या जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो रूट प्रॉब्लम है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं. एंड जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, अगर आप डेली, मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको आधा आधा घंटा या एक एक घंटा बैठना है, इट्स ओनली अबाउट 5 मिनट्स. अगर आप दिन में 5 मिनट कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक भी सुनते हैं, जहां पर आप यू नो मेंटली जितना भी स्ट्रेस है उसको 5 मिनट के लिए साइड रख रहे हैं कि मुझे अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना, ना ही लव लाइफ का, ना ही करियर का, ना ही किसी भी चीज का, एंड दैट टाइम यू विल रियलाइज कि आपको अंदर से एक मैसेज मिलेगा एंड दैट इज योर इंट्यूशन. और वही चीज आपकी स्पिरिट गाइड्स होती हैं, जो आपको गाइड कर रही होती हैं, वो चीज आपको मिलेगी. एंड यू विल रियलाइज कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बखेड़ा क्यों खड़ा हो रखा है लाइफ में, या यू नो रास्ता क्लियर क्यों नहीं है. वो चीजें धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएंगी. तो यस, इट इज नेसेसरी फॉर यू कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो एंड थिंग्स विल रियली वर्क आउट इन योर लाइफ. रोमांस, सम ऑफ यू गाइज, कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस भी आने वाला है. और इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई सोलमेट है एज अ फ्रेंड, जो इन फ्यूचर आपकी करियर में आपको गाइड कर सकता है या हेल्प कर सकता है. कोई पर्सन है जो बहुत समझेगा आपको, यू नो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई कलीग है, कोई अननोन पर्सन भी है, जो आपको समझेगा, जो आपकी चीजों को समझेगा, आपको गाइड करेगा. वो चीज मुझे ये रोमांस के कार्ड से यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है. ओके, पायल नंबर 1 के लिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स फॉर गिविंग अस सच अ लवली मैसेज. ग्रैटिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव. फेलियर, वाओ, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज एन ओनली अपॉर्चुनिटी टू लर्न. अगेन यहीं पर वही चीज आ रही है कि अगर आपने कोई गलती पास्ट में करी है, कोई भी आपकी बिलीव है पास्ट की वजह से, अभी जिस वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस कार्ड आप लोगों को कुछ डर है कि आप दोबारा फेल हो जाओगे या हो नहीं पाएगा, एक लैक मेंटेलिटी है.
तो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसने आपको लाइफ में ये सिखाया कि आप आगे बढ़ो और लर्न करो. वाओ, हैप्पीनेस. आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ. द स्कार इज टेलिंग मी दैट हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड. कहीं ना कहीं खुश रहना आपके ऊपर निर्भर करता है. बहुत लोग भीड़ में रह के भी परेशान होते हैं और बहुत लोग अकेले रह के भी खुश होते हैं. सो वो चीज़ आपको खुद से अपने लिए बिल्ड करनी है. एंड जब ये आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आओगे, पाइल नंबर वन, यू विल सी धीरे धीरे बाकी चीज़ों में भी वो चीज़ आने लगेगी, क्योंकि आपकी जो माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी. और वो जब चेंज होगी ना, तो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ. सो आई होप कि ये रीडिंग जो है वो आपको हेल्प करेगी, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी या मैसेज मिला होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर ज़रूर बताइएगा. एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, अगर आप और किसी टॉपिक से रिलेटेड भी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं. पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, staymagical444. And again, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe to my channel and to like and share this video. Thank you so much. Bye. Take care. हाई एवरी वन. सो जिन भी लोगों ने पिक्चर नंबर 2 चूज करी है या पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग. सबसे पहले आई विल सी अबाउट योर करेंट एनर्जी, कि आपके करियर में करेंट एनर्जी क्या है, सो दैट आपको भी आइडिया लग जाए वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू आर नॉट. सो लेट मी सी दैट. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच. वाटर एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है. समवन हु इज वेरी इमोशनल एंड अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. कुछ लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप करते हैं. यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत उभर के आ रही है. कुछ लोगों यहाँ पे 333 भी दिखता होगा, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की. एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये वाटर साइन यहाँ पे आ रहे हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. फाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है इन टर्म्स ऑफ करियर. थैंक यू सो मच माता रानी. प्लीज हमें बताइए व्हाट इज द करंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ करियर. पाइसेस, ओके, एंड सैटर्न. एंड यू वोंट बिलीव, नीचे है द वर्ल्ड कार्ड, 10th हाउस, ये भी सैटर्न का ही है. सो सैटर्न जो है यहाँ पे एक मेजर एनर्जी आ रही है शनि की यहाँ पर. अगेन कुछ लोग, हो सकता है शनि की दशा चल रही हो, अंतर दशा चल रही हो, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है. अगर वो नहीं भी है तो भी सैटर्न जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सैटर्न आपको लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल बना रहा है, काफ़ी हार्ड वर्क भी करा रहा है सैटर्न, जो मुझे लग रहा है. बिकॉज हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का फील होता हो कि हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, हमारे साथ वाले को तो इतनी जल्दी यू नो प्रमोशन या अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, बट हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं. तो यस, वो चीज़ यहाँ पर है जो मुझे दिखाई दे रही है. एंड विद पाइसेस एनर्जी एंड विद दिस लियो, यू गाइस आर रियली कॉन्फिडेंट. बहुत कॉन्फिडेंट लोग अब हो, आप लोग हो, बट हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपको वो अपने अंदर यू नो वो चीज़ दिखती नहीं है. बट आई एम सीइंग यहाँ पे आप लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटी है. कुछ लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग रीडिंग में आप लोग हो सकते हैं, स्पीकिंग में हो सकते हैं, वो एनर्जी भी आ रही है. कुछ लोग पोएट्री में भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि विद दिस स्पाइसेस एनर्जी आई एम सीइंग दैट थिंग कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. स्टोरी राइटर हो गया या स्टोरी टेलर हो गया, वो भी पॉसिबल है. थैंक यू सो मच. टीचर्स हो गए. प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टू हेल्प देम. व्हाट इज देयर करंट एनर्जी, करंट करियर एनर्जी क्या है. कुछ लोग अभी लाइफ में काफ़ी, हो सकता है क्राइसिस भी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकता है इस टाइम चल रही हो. इन रिगार्ड्स टू मनी, पैसों को लेके पॉसिबल हो सकती है. टेन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर. प्लीज यूनिवर्स, इनकी करंट करियर एनर्जी क्या है. येस, टेन ऑफ सॉर्ड्स. सी, आई वॉज गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ, मुझे जो दिखाई दिया था वो नाइन ऑफ सॉर्ड्स दिखा था, यहाँ पर 10 आ गया है. तो 10 एंड अगेन 10th हाउस, यू गाइज आर कम्प्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल इन योर लाइफ, जहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप जितना एफर्ट डाल सकते थे, आपने सब कुछ करके देख लिया, बट उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा. कि आपने हर एक चीज़ यहाँ पे करके देखी, बट चीज़ें वो नहीं बन पा रही. आप में से कुछ लोग, अगेन आप लोग अगर वर्किंग है तो आप लोग प्रमोशन की बहुत उम्मीद लगा के यहाँ पर बैठे हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा ड्रीम था बट आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ सपना जो है वो चूर चूर हो गया, वो पूरा नहीं हो पाया, या आपने जो टाइम फ्रेम सोचा था उसमें नहीं हो पाया जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है. एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में. आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत धीरे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है.
बिकॉज अगेन टेन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले रखी है. कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालना भी ठीक नहीं होता है, तो उस तरीके की एनर्जी मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रही है कि आई रियली वॉन्ट टू टेल यू समथिंग पाइल नंबर टू. आप लोगों को इस टाइम हीलिंग और रेस्ट की बहुत ज़रूरत है. यू गाइज आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ डीप हीलिंग इन योर लाइफ, जहाँ पर एक मेंटल रेस्ट की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिकॉज मुझे यहाँ पे बिल्कुल ड्रेन्ड आउट लग रहे हो आप, इम्पैथ हो आप लोग, बहुत सेंसिटिव हो और बहुत जल्दी आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है. सो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है कि किस तरीके के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. एक कंपनी आपकी जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू गाइज आर एम्पैथ. एम्पैथ क्या होता है कि बहुत ईजिली दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आप में वो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है. मे बी आप दूसरों को तो बहुत हेल्प करते हो और शायद उन चीज़ों में आप अपने लिए करना भूल जाते हो. यू नो, मे बी यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर हस्बैंड, अबाउट योर kids, about your wife, but उस जगह पर आप अपने बारे में नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सेल्फ लव की भी कमी दिखाई दे रही है जो इन कार्ड से मुझे लग रहा है. कहीं ना कहीं अगर आपको ये एनर्जी कंफर्टेबल लग रही हो, लग रहा हो कि ये सिर्फ आपके लिए है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप आगे की रीडिंग देखिएगा, बिकॉज नाउ विल सी कि आने वाले 3 महीने में क्या होने वाला है आपके करियर के अंदर, या क्या आने वाला है. जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी, आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर टू, प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर टू की स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. अगर आप लोग जस्ट अभी 30 की कुछ लोग यहाँ पर एज हुई है, तो जस्ट अंडरस्टैंड आप धीरे धीरे आपके लाइफ में चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी. बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटर एज में ज़्यादा सक्सेस है एज कम्पेयर टू अर्ली एज. बट हाँ, सबके लिए ऐसा नहीं है. कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रहा है कि 30 के बाद काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे कुछ लोग 25 के ऊपर हैं और अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है. तो आपके अंदर वो चीज़ थोड़ी है, यू नो, कि आप पीछे रह गए हैं. फॉर सम ऑफ यू गाइड्स, नॉट फॉर ऑब्वियसली एवरी वन. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर टू के स्पिरिट गाइड्स हमें बताइए नंबर टू के आने वाले 3 महीने में करियर में क्या आने वाला है. आपको बहुत ज्यादा पाइल नंबर टू दूसरों लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना. कोई इर्द गिर्द आपके ऐसा पर्सन है जो आपको एडवाइस दे रहा है या फोर्स भी कर रहा है, ऐसे लोगों से आपको दूर बचना है. बहुत ज्यादा अपने ऑफिस में या बिजनेस प्लेस पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना है, बहुत ज्यादा शेयर नहीं करना, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, कोई भी चीज जो मुझे यहाँ पर इंट्यूटिवली फील हो रही है. बिकॉज समवन इज अराउंड यू, कोई आपके इर्द गिर्द है जो बहुत खुश नहीं है आपकी चीजों से, बट वो उनका प्रॉब्लम है. इस चीज में आप बस यही कर सकते हो कि बहुत ज्यादा अपनी चीजें या जो भी आप नेक्स्ट प्लान करने वाले हो या कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, हर किसी से शेयर मत करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है. प्लीज यूनिवर्स, आने वाले 3 महीने में इनके करियर में क्या आने वाला है. ओके, डीप डीप हीलिंग, वेरी डीप हीलिंग इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर विद द मून कार्ड. कुछ ना कुछ इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिलेगी आने वाले 3 महीने में अपने करियर में. बट मैं आपको एक चीज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कन्वे करना चाहती हूँ. मे बी कुछ लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगे, बट दैट्स नेसेसरी फॉर यू गाइज. आने वाले 3 महीने में आपका फोकस जो है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पर ज्यादा रहेगा एंड अपने कम्युनिकेशन को ठीक करने पर ज्यादा रहेगा. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही होती, तो कहीं ना कहीं हम उसका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन दूसरे लोगों पर निकाल लेते हैं या अपना ही काम खराब कर लेते हैं. इस तरीके की सिचुएशन से आपको यहाँ बचना है. बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर एक 360 लेवल पे ना, 360 डिग्री पे मुझे यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज दिखाई दे रहा है जिससे आप गुजर रहे हैं. और वहां पर अभी आप ऐसी जगह पर है कि मुझे ये नहीं दिख रहा कि एकदम से कहते हैं ना कि नैया पार हो गई, कि एकदम से आप बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही है, या यू आर गोइंग टू ट्रैवल समवेयर. व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि
अभी जो आपका फेज है वो हीलिंग वाला ज्यादा है, तो यहाँ पर एक इनर चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा, मतलब कि आपकी हेल्थ पर, आपके इमोशंस पर और आपका जो इनर सेल्फ है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा कि आप सोच विचार ज्यादा कर रहे हैं, एक्शन कम ले रहे हैं, कॉन्टम्पलेट ज्यादा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि पास्ट में या तो कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप हर्ट हैं और आगे मूव कर रहे हैं, या इन फ्यूचर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज, इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ डिलेज लग सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे कॉम्पिटिशन भी दिखाई दे रहा है। सम ऑफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। बट अगेन, अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई एम सीइंग कि थोड़ा सा भी और उस चीज़ को पॉलिश करने की जरूरत है, जो भी पढ़ रहे हो उसको और बेटर करने की जरूरत है। विद कार्ड ऑफ मून आई एम सीइंग कि इमोशंस इस टाइम आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हैवी हो रखे हैं, और कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी है, जिस वजह से आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आने वाले 3 महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो, अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो, नॉट ठीक इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कोई डिजीज है या प्रॉब्लम है, नो, अगर आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो या स्ट्रेस्ड आउट हो, तो समवेयर आप करियर में भी पीछे रहोगे या करियर में भी आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस करोगे, और वो ही अभी आपकी लाइफ में चल रहा है। तो आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू हैव द सम काइंड ऑफ अ हीलिंग इन योर लाइफ। एक हीलिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड ऑफ स्टार एज वेल, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि अपनी रियल आइडेंटिटी, जो आप एक्चुअल में हो, वो बाहर दुनिया को दिखाते नहीं हो, आप में कुछ डर है। अगेन, आप में से काफी लोग बहुत क्रिएटिव है, एक स्टार सीड एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग हो दूसरे लोगों से, और मे बी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आई एम सीइंग दैट इन फ्यूचर यू विल रियलाइज दिस थिंग, एंड आप जैसे हो वैसे लोगों को दिखाओगे, ये चीज मुझे दिख रही है। क्योंकि उसके बाद वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स, जो मेरे लिए बात करता है कि यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू, यू आर प्लानिंग फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो वाली चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगेन, कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी करने वाले हैं या प्लान करने वाले हैं, बट दिस मून कार्ड आई एम सीइंग कि इमोशंस बहुत हैवी रहेंगे। करियर में कोई भी डिसीजन जो है वो अपने इमोशन के बेसिस पे मत लीजिएगा, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है। थोड़ा सा सोच विचार कर डिसीजन आप लीजिएगा, प्लीज स्पिरिट गाइड, आने वाले 3 महीने में कैसा रहेगा या क्या आने वाले उनके करियर में। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, व्हेन यू विल हील फ्रॉम दिस एनर्जी, जब आप इस एनर्जी से हील करेंगे, और सबका टाइम अलग अलग है, कुछ लोग 12 डेज हो सकते हैं, 18 डेज, 23 डेज, तो आप मोटा मोटा लगा लीजिए कि आपका 1.5 महीना जो है पहले इस हीलिंग एनर्जी में निकलने वाला है। एटलीस्ट 28 डेज जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि वो जाएगा ही जाएगा आपका, उसके बाद ये बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। हो सकता है अचानक से आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट ना करी हो। इट कैन बी एनी थिंग, कोई जॉब मिल गई, कोई आइडिया आ गया आपको, या किसी का सपोर्ट मिल गया, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट येस, बिफोर दैट आई एम सीइंग 8 of Swords, समवन हु इज फीलिंग कन्फ्यूज, और ये कन्फ्यूजन इसलिए है बिकॉज आपको ऐसा फील होता है कि शायद आप नहीं कर पाओगे या हो नहीं पाएगा, एंड आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं है। बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स रियली नॉट ट्रू। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको काम अकेले लाइफ में करना होता है। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ, एंड दिस इज वॉट आई हैव लर्न इन माई लाइफ, टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ऑब्वियसली मेरे पास कोई एम्प्लॉयज नहीं है, यहाँ पे मैं अकेले काम कर रही हूँ। समटाइम इट्स क्वाइट बोरिंग, यू नो दैट यू आर वर्किंग अलोन, और आप कहीं ऑफिस नहीं जा रहे, यू आर वर्किंग फ्रॉम योर ओन ऑफिस और फ्रॉम योर ओन होम, फ्रॉम योर ओन हाउस। बट समवेयर जब आप इसके प्रोज भी देखो तो फायदा भी है, आपका बहुत टाइम बच रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बच रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर फॉलोइंग योर पैशन, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। सो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर होते हैं। सो जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। आई स्टिल रिमेम्बर दिस थिंग, मैंने जब अपना काम स्टार्ट किया था तो मैंने हार्डली 350 rupees के आली एक्सप्रेस से टैरो कार्ड्स मंगाए थे, एंड आफ्टर दैट आई हैव रियली अर्न अलॉट थ्रू दोज टैरो कार्ड्स। सो अगेन, इट्स टोटली अप टू यू, बट लेट्स सी क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको यहाँ पर देना चाहती है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, पायल नंबर 2 को स्पिरिट गाइड्स अब क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इनकी करियर को लेके। थैंक यू सो मच। वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को यहाँ पे रखना पड़ेगा। मिरेकल्स, आई टोल्ड यू, एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी,
और अभी क्या है कि अभी आपको ये मिरेकल दिख नहीं रहा, अभी आपको ये रेनबो नहीं दिख रहा, अभी आपको लाइफ में सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, बट रेनबो तो है एक्चुअल में है. यस, प्यूरिफिकेशन, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ पाइल नंबर टू, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा अभी परेशानी है. मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा, यू नो, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ, बहुत फोर्स मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, जस्ट चिल एक्चुअली, जो आपको ज़रूरत है इस टाइम पर, बिकॉज बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने से भी चीज़ें नहीं होंगी इस टाइम पर. जितना आप शांत रहोगे ना, उतना चीज़ें बेटर हो पाएंगी. फॉरगिवनेस, मे बी आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, या मे बी अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, जो मुझे यहाँ पर एक कार्ड दिखा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फ्लो ऑफ लव जो है ना, उसको ब्लॉक कर रहा है. सो यू नीड टू फॉरगिव समवन, और मे बी यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ. फियर, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. So you have to understand, in fear से आपको बाहर आना है. Because I really want to tell you something. जो आप अपने लिए कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता. शायद कोई आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे दे, थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर दे, बट जब तक आप अंदर से खुद से यू नो मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप पर बिलीव नहीं करोगे, तो कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो कैसा भी काम हो. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए सक्सेस. आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव. सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. हो सकता है कि आप लोग अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें कि आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं है क्योंकि आपने गाड़ी नहीं ली, या आपकी सैलरी इतनी कम है, या आपके पास घर नहीं है. बट इट्स नॉट अबाउट दैट. आप लोग लो जो मुझे पार्लियामेंट टू दिखता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस तब आएगा जब आप बिना इन चीज़ों के बारे में सोच के वर्क करेंगे, जब आप सिर्फ दिल से काम करेंगे कि हाँ काम करना है, दिल से करना है. आप देखिएगा कि कितनी जल्दी जल्दी यू नो यू विल ग्रो इन योर लाइफ, यू विल एक्चुअली ग्रो. और आप लोग बहुत वाइज है पाइल नंबर टू, बहुत वाइज लोग हैं. हो सकता है कि आपके प्लानिटरी पोजिशंस काफ़ी सारी आपको पंडितों या एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला हो कि खराब है, डेब्लिटेटेड है, बट द पावर ऑफ डेब्लिटेटेड प्लैनेट्स आर दिस, कि ऐसे लोग जो है वो अर्ली स्टेजेस में, अर्ली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, बट लेटर ऑन इट्स लाइक बूम, बहुत सक्सेस मिलता है, क्योंकि वो वाइज हो चुके होते हैं, उतनी समझदारी उनमें आ चुकी होती है. तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रही है. आई एल डेफिनेटली गोइंग टू पुल फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम एंजल आंसर्स टू सी मोर अबाउट इट. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर टू. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप करियर को लेके इन्हें? मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर. इवन अगर आप लोगों को फील होता है टू वॉच पाइल नंबर वन, देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट. यस, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी ओके, यू वॉन्ट बिलीव ये तीनों कार्ड उसमें आए थे. सो यू कैन वॉच दैट रीडिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था, बट देन आई थॉट कि नहीं, थोड़ा डिफरेंट है. लेट गो, यू नीड टू लेट गो समथिंग. एंड विद दिस रोमांस कार्ड आई एम सीइंग दैट फॉलो योर पैशन. जितना आप अपना पैशन फॉलो करोगे, जितना दिल फॉलो करोगे, इट्स नॉट इवन अबाउट फॉलोइंग योर पैशन, जितना दिल से जो काम अच्छा लगता है ना, या दिल से जो करना अच्छा लगता है, जब आप फॉलो करोगे ना, तो आप अंदर से अपना आप खुश रहोगे. और फिर पता है क्या लगता है कि बेशक थोड़ा सा कुछ कम हो दूसरों से, बट अगर अंदर से खुशी मिलती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है. एंड उसके बाद अपने आप यू विल सी कि इतना ट्विस्ट एंड चेंज एनर्जीज में आता है कि यू विल अर्न अलॉट. लेकिन अगर आप सिर्फ सक्सेस के पीछे भागोगे या पैसों के पीछे भागोगे, तो वो इनर पीस नहीं मिल पाएगी. और अल्टीमेटली क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगी एंड ठप हो जाएगी. सो दिस इज अ मैसेज फॉर यू पाइल नंबर टू. आई होप कि ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको लाइफ में हेल्प कर रहा है या गाइड करेगा. अगर ये रीडिंग मैच होती हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा. आप पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज एंड फॉलो कर सकते हैं टू सी मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स एंड नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी. एंड अगेन, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज. एंड आप चाहें तो किसी से शेयर भी कर सकते हैं, हो सकता है वीडियो किसी और के भी काम आ जाए. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स. तो जिन भी लोगों ने पिक्चर नंबर 3 चूज करी है या पाइल नंबर 3 चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग. सो पाइल नंबर 3, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद योर करेंट एनर्जी टू सी कि आपकी लोगों की करेंट एनर्जी क्या है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर योर गाइड्स. पाइल नंबर 3, प्लीज कनेक्ट विद अस एंड टेल अस कि इनकी करेंट करियर में क्या एनर्जी चल रही है. करियर
हमें टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वी हैव द कार्ड ऑफ मिस्ट्री, द ब्लैक मून लिलिथ, मर्करी रेट्रोग्रेड, क्या एनर्जी चल रही है इनकी स्पिरिट गाइड्स, एक्वेरियस. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर विद दीज थ्री कार्ड्स इज दैट बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में अभी मिस्ट्री हैं इन योर करियर. कुछ लोगों को तो हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या करियर पाथ फॉलो करना चाहिए या आगे क्या करियर चूज करना चाहिए या किस फील्ड में आगे या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. उस चीज को लेके भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता है. विद दिस कार्ड ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि एक्चुअल में आपका मर्करी जो है वो इस टाइम रेट्रोग्रेड है या मर्करी आपको रेट्रोग्रेड ही हो, मर्करी की महादशा या अंतरदशा चल रही है. या यहाँ पर मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटी लगती है कि मे बी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपने करियर के अंदर विद दिस कार्ड ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड. टेक्निकल कुछ लोगों जितने कुछ टेक्निकल इश्यूज ही आ रहे हो या काम नहीं बन रहे हो, बनते बनते बिगड़ते हो, ऐसा हो या किसी से कम्युनिकेशन आपने करी है, बातचीत करी है, वहाँ चीज़ें नहीं बन पा रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, वो यहाँ पर भी पॉसिबल है विद दिस कार्ड ऑफ मर्करी रेट्रोग्रेड. कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप लोगों को ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो या किसी को कुछ कमिटमेंट आपने दी हो वो चीज़ आप नहीं कर पाए, स्पेशली इन योर बिजनेस. यहाँ भी मर्करी रेट्रोग्रेड बात करते हैं एंजाइटी होना, ब्रेन में जैसे फॉगी फील होना कि बहुत कंफ्यूजन होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, और क्या सही है क्या गलत है इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, वो चीज़ भी हो सकती है. और थोड़ी सी मुझे यहाँ पे राहु की भी एनर्जी आ रही है, दैट इज़ योर नॉर्थ नोड, तो वो भी पॉसिबल यहाँ पर हो सकता है. विद दिस कार्ड ऑफ एक्वेरियस, आई नो आई एम जस्ट सेइंग दैट सम ऑफ यू गाइज आर रियली इग्नोरिंग योर इंट्यूशन. आप में से कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आप काफ़ी कंफ्यूज हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी इन देयर करियर. थैंक यू यूनिवर्स. पैनल नंबर 3 की करंट करियर एनर्जी क्या है प्लीज़ हमें बताइए. वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन. यू आर फीलिंग स्टक, पैनल नंबर 3. स्टक, फंसा हुआ आप महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स में जैसे मिसफॉर्च्यून यहाँ पर आ गया हो कि बहुत अनलकी फील करना कि मेरे ही काम नहीं बन रहे या मेरी चीज़ों में ही रुकावटें आ रही हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. वी हैव द कार्ड ऑफ 8 of Swords. नाउ 8 of Swords टॉक्स अबाउट अगेन कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज यूर फीलिंग. विद दिस कार्ड ऑफ 8 of Wands आई रियली फील दैट कि आपको ऐसा लगता है कि आपने पास्ट की कुछ अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दी है, उस तरीके की फीलिंग भी मुझे यहाँ पर आ रही है. आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आए, आप हार्डवर्क वहाँ पर कर पाए, दिखा पाए, बट विद दिस कार्ड ऑफ डेविल आई एम सीइंग लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ एंजाइटी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो चीज़ है जिस वजह से थोड़े से काम खराब हो रहे हैं. अब डेविल ये भी बात करता है माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव थिंकिंग आना, किसी भी चीज़ों की वजह से हो सकता है. हो सकता है कि आप ऐसे कुछ लोगों को बचपन में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया है, आई एम रियली सॉरी, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं किया गया है, जिस वजह से समवेयर आपको भी अपने ऊपर डाउट्स हैं या आपको ऐसा लगने लगा है कि यू नो जो चीज़ आप चूज करेंगे या डिसीजन लेंगे वो ठीक नहीं होगा. समथिंग लाइक दैट आई एम गेटिंग थ्रू दिस कार्ड. द डेविल कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट मी कि मे बी फॉर नॉट फॉर एवरी वन, बट आप में से कुछ लोग शायद किसी ऐसे काम में थे या है जो इलीगल है या जहाँ पर आगे बहुत स्कोप नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, एंड नाउ यू आर फीलिंग स्टक. अब आप फंसा हुआ वहाँ पर महसूस कर रहे हैं उस काम के अंदर कि आपने तब तो इस काम को स्टार्ट कर दिया. बिजनेस भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी किसी चीज़ में, किसी काम में, कि आपको लग रहा है कि आप पीछे नहीं जा सकते, यू कैन गो बैक, वो वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग के लिए दिखाई दे रही है. ओके, सो दिस इज योर करेंट एनर्जी फ्रेंड्स. अगर ये मैच करती है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बाकी की रीडिंग कंटिन्यू करिए, नहीं करती है तो कोई और पाइल चूज कर सकते हैं. प्लीज जबरदस्ती रीडिंग मत देखिएगा, बिकॉज अगेन ओवर थिंकिंग करेंगे आप लोग, उस चीज का कोई फायदा नहीं है. यू कैन ऑल्सो गेट योर पर्सनल रीडिंग बाई टेक्सटिंग मी ऑन व्हाट्सएप, नंबर जो है वो ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा. मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड पिक अ कार्ड्स. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम टू गाइड देम टू हील देम. आपको बहुत जल्दी पाइल नंबर 3 कुछ ना कुछ विद इन फ्यू वीक्स
2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको अपने करियर में कुछ ना कुछ क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है. बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है, सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू. एंड प्लीज से अगर नॉइज आ रही है तो प्लीज काइंडली इग्नोर इट. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. और पायल नंबर थ्री की स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए आने वाले 3 महीने में इनके करियर में क्या आने वाला है. थैंक यू सो मच. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड. पायल नंबर 3, आप लोगों का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिशन भी है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. मतलब मैं यहाँ पे किसी का ईगो बूस्ट करने के लिए ये बात नहीं बोल रही, बट येस ये चीज़ मुझे फील हुई है यहाँ पे, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू. मे बी आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल फील्ड में ही हो, इसी वर्क में भी हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है. या आप लोग कुछ अपना काम शुरू करने वाले हो. सम ऑफ यू गाइज कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, या इन फ्यूचर आप कोई अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हो. कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है. एंड हो सकता है आप ऐसे काफ़ी लोगों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली के, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लाइफ में इस टाइम बहुत रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो. बट येस कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखता है. एंड कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो बट आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डिले हो रहा है चीज़ों में ना, जो आप अचीव करना चाहते हो. बट आई एम सीइंग दैट यू विल डेफिनेटली अचीव इट, जो भी आपका सपना है. एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा, जो मुझे आपके कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है. मैं ये अभी आपको ओवरऑल लाइफ का बता रही हूँ, अभी 3 मंथ्स का भी मैं देखूंगी. बट येस आपको अपनी लाइफ में थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि शायद आपको ऐसा फील हो कि आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे लोग नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा आपके पास आगे की रास्ते की क्लैरिटी नहीं है. बट आई एम सीइंग कि आने वाले 2-3 हफ्तों में आपको क्लैरिटी काफ़ी हद तक मिलेगी. एंड वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स, जो मुझे दिखाता है कि शायद आने वाले 3 महीनों में यू कैन फील फॉर सम टाइम कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है. यू नो, होता है ना कि हमारे पास आज तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, या हमें आज तक कुछ अच्छा नहीं मिला है. बट समवेयर इट्स अ मैसेज फॉर यू कि आपकी लाइफ में एक, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि एक सरप्राइज आ रहा है, जो आपको अभी दिख नहीं रहा बट इन फ्यूचर दिखाई देगा आने वाले 3 महीने के अंदर, जो मुझे यहाँ दिख रहा है. मे बी आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है दैट इट्स टोटली यूजलेस, इसका कुछ नहीं होगा, बट वहाँ से कुछ आपको रिजल्ट मिल सकता है. या कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, या कहीं से पैसे फंस गए थे, वहाँ से वो चीज़ निकल के आ सकती है. लेकिन तब जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ये कार्ड से मुझे वो दिखाई दे रहा है. I am also seeing this card of Queen of Pentacles. I am seeing कि financially आपकी चीज़ें जो है वो पहले से काफ़ी improve होने वाली हैं आने वाले 3 महीने के अंदर. And अगर आप लोग बहुत खर्चा करते हैं, बहुत expenses हैं आपके, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग savings भी करने वाले हैं, because somewhere it is important for you, pile number 3, कि आप life में savings भी करें. I don't know why, but आपके लिए message आ रहा है. So I thought that I should share it with you. And yes, इस कार्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है that सबसे पहली बात ना, आपके लिए पायल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने आज तक अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया है, क्योंकि आप लोग शायद अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट आप लोग हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए. अगर नहीं होती तो आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं उस चीज़ के लिए, नेगेटिव बोलते हैं अपने आप को. बट यूनिवर्स आपसे कहती है प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आप अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचे हो, वहाँ पर आप अपने एफर्ट से पहुँचे हो, आपने काफ़ी कुछ किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड ऑफ योर सेल्फ, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में मिसिंग है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और इसलिए लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे, और इसलिए आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पायल नंबर 3 टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि आपने आज तक जो कुछ भी किया है वो आपने ही किया है, एंड मे बी कोई और नहीं कर सकता या नहीं कर पाता. सो बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ. एंड विद दिस कार्ड ऑफ वर्ल्ड, लेट मी टेल यू पायल नंबर 3, आपकी जर्नी दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट है. आई डोंट नो वाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज. कुछ लोग आप में से सेजिटेरियस हो सकते हैं, मे बी आप दूसरी कंट्री में रह के पढ़ रहे हैं, या काफ़ी कोई डिफरेंट सा कोर्स कर रहे हैं, या कुछ भी डिफरेंट आपका हो सकता है बाकी लोगों के कंपेरेटिवली. बट इस चीज़ को लेके आपको निराश नहीं होना है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू गाइज हैव सम काइंड ऑफ अ लाइफ पर्पज. कुछ लोग यहाँ मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं,
जो भी है यहाँ पर, आप जिस भी फील्ड में हो या नहीं हो, कुछ ना कुछ आपका पर्पस है जहाँ पर आप आने वाली जनरेशन को एक लाइट दिखाने वाले हो या एक नया रास्ता दिखाने वाले हो किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो या एजुकेट करने वाले हो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आने वाली जनरेशन को कुछ मैसेज देने वाले हो, एक नया रास्ता दिखाने वाले हो, या आपने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है उसकी स्टोरी से आप दूसरे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। समथिंग इट्स रियली वेरी अमेजिंग कि आप लोग बहुत ओल्ड सोल हो, पाइल नंबर 3, बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत वाइज लोग हो आप। बट समवेयर होता है ना कि जितने पुराने हैं यू गाइज, बार बार ये मैसेज आ रहा है कि बहुत नेगेटिव आप सोचते हो अपने आप को लेके, या बहुत क्रिटिसाइज करते हो। यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आई एम सीइंग आने वाले 3 महीने में ऐसा बहुत टाइम भी आएगा जहाँ पे आपको रेस्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। यहाँ पे विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स दैट आई एम सीइंग ओवर हियर, इज इट अ सॉर्ड कार्ड? हाँ, सॉर्ड्स का ही कार्ड है, डेफिनेटली वो चीज़ है। और आपके लिए ज़रूरी भी है रेस्ट करना। कुछ लोग हो सकते हैं या काउंसलिंग फील्ड में भी हो, जो पॉसिबल है। विद दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप, पाइल नंबर 3, एक मैसेज देना चाहूँगी। अगर आप लोग जर्नल राइटिंग करते हैं दैट्स रियली गुड थिंग, नहीं करते हैं तो करें। या फिर बीच में ना जैसे थोड़ा ब्रेक लिया करिए आप लोग, कोई अच्छी मूवी देखा करिए, मतलब कि समथिंग न्यू जो आपने पहले नहीं देखा, कोई नेटफ्लिक्स पे या कहीं पर भी, यूट्यूब पे छोटे छोटे क्लिप्स भी होती हैं। बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मैसेज है वहाँ पर। तो आप कुछ भी इंस्पिरेशनल शॉर्ट मूवीज जो होती हैं वो आप देख सकते हैं, या कोई नई चीज़ जो आपने पहले उस तरीके की कभी नहीं देखी, वहाँ पर आई एम सीइंग कि आपको कुछ मैसेज जो है वो मिलने वाला है अपने करियर को लेके। एंड विद दिस कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल, आई एम सीइंग कि आप ऐसे कुछ लोगों ने, हो सकता है अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो होल्ड पे कर रखा हो, या उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हो बिकॉज अब आप निराश हो चुके हो। कुछ लोग हो सकते हैं आप PhD भी कर रहे हैं जो आप बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं कि कब तक ये सब चलेगा। कोई काम हो सकता है आपका ऐसे जहाँ पर आपने बीच में स्टॉप कर दिया है, पॉज कर दिया है किसी भी चीज़ को। बट आई एम सीइंग दैट इन फ्यूचर आप रेस्ट लेके उस चीज़ को दोबारा कर रहे हो। परसिवरेंस है यहाँ पर, कि हार नहीं मानना, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आप हार नहीं मान रहे हो एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो। बेशक थोड़ा स्लो है चीज़ अभी, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ी थकी थकी एनर्जी आ रही है। बेशक चीज़ें स्लो हैं, बट येस यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव दिस वेरी अमेजिंग कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपको आने वाले 3 महीने में यहाँ पे मिलने वाली है, एक नया रास्ता आपको मिलने वाला है अपने करियर में अगर आप किसी पाथ को लेके कंफ्यूज हो तो। और ये एक बहुत ही डीप मैसेज है, और आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी जो मैंने बाकी लोगों को नहीं बोला, कि आप ना टेम्परेरी चीज़ों को देख के पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा अपसेट मत हुआ करो, क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को बिगर पर्सपेक्टिव से देखो। बिगर पिक्चर देखनी है आपको, सिर्फ अभी ये नहीं सोचना कि अभी ये चीज़ नहीं हो पाई है 1-2 महीने में तो पता नहीं आगे क्या होगा। नहीं, आपको बिगर पिक्चर देखनी है, बड़ा प्लान देखना है आपको, क्योंकि आपकी लाइफ में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। बिकॉज जब आप उस छोटी छोटी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ पहुँच गए हो आप पहले के कंपेरेटिवली। ओके, सो लेट मी पुल फ्यू कार्ड्स फॉर यू, प्लीज पेरेंट गाइड्स, आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ प्राइड। ओके, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। अगेन आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज ओवर हियर कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ईगो फैक्टर है यहाँ पर, जिस वजह से एक पीस ऑफ माइंड आपको लाइफ में नहीं मिल पा रहा है ईगो की वजह से। बिकॉज बहुत नेगेटिव टॉक यहाँ पर चल रहा है, सेल्फ टॉक होता है ना, एक नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एंड आपके लिए बहुत ओके, आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी, आर डेफिनेटली यू हैव टू रिलीज ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी, एंड वो आप इवेंचुअली धीरे धीरे यहाँ पे मुझे करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, एक एडवाइस, दैट यू शुड फीड एनिमल्स, एनिमल्स को खाना दिया करो, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इससे आपको करियर में बहुत फायदा होगा। लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस एडवाइस है वो है आज। आप में से कुछ लोग ऐसे डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं जिसके लिए शायद बहुत लोग आपको सपोर्ट ना करें, स्पेशली आपकी फैमिली, बट आई एम सीइंग दैट यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, वो धीरे धीरे आपको आगे लेके जा रहे हैं। आपको ये सब नहीं फील हो रहा, बट एज यू कैन सी इन दिस कार्ड,
आई एम सीइंग दैट द स्पिरिट गाइड इज प्रोटेक्टिंग दिस चाइल्ड एंड दे आर टेकिंग देम फॉरवर्ड. तो वही चीज मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है एंड विद दिस कार्ड ऑफ मिरेकल. सो आपकी लाइफ में जैसे मैंने कहा कि सडनली ना कुछ चीज आएगी जो आपकी लाइफ में बन रही है इल्यूमिनेशन. अभी कुछ चीजें जो है आपको लाइफ में बहुत क्लियर नहीं है. यही एडवाइस दूंगी कि थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप और इंक्लाइन करिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा. यहाँ पे लेट मी पुल कार्ड फ्रॉम दिस डेक, एंजल आंसर कार्ड. थैंक यू यूनिवर्स. क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? देयर इज समथिंग बेटर. यस, कुछ बेटर चीज़ें. जैसे मैंने कहा कि टेम्परेरी चीज़ों को देख के आप परेशान मत हो, कुछ बहुत अमेजिंग है यहाँ पे. क्योंकि आप लोगों का लाइफ पर्पस है कुछ कम्युनिकेट क्लियरली. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप फील कर रहे हो, बिकॉज आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे मोटिवेटर्स भी हैं यहाँ पे जो दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं. तो अपनी बात को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना सीखिए. अगर ऑलरेडी आता है तो उसको करिए. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब से एक साल बाद कुछ बहुत अमेजिंग सी न्यूज आपको लाइफ में मिलने वाली है जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है. एंड रिमेन पॉजिटिव. सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव. यहाँ पे पॉजिटिव रहने की बहुत जरूरत है. जैसे मैंने कहा आपसे, बिगर पिक्चर देखिए, छोटी छोटी चीजों पे परेशान मत होइए. क्योंकि ये बिगर पिक्चर जो है, अभी शायद आप किसी चीज को छोड़ देंगे सोच के कि वो आगे नहीं हो पाएगी, बट ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में. आप धीरे धीरे किसी चीज को बिल्ड कर रहे हैं, कासल बिल्ड कर रहे हैं आप लोग, बट धीरे धीरे पेशेंस के साथ ही वो बिल्ड होगा यहाँ पे. सो पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है और इससे सुन के आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर जरूर बताइएगा. आप पर्सनल पे रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यूजर आईडी दिख रहा होगा. और पिंक कार्ड रीडिंग्स के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए, अगेन मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. बाय. Take care.